ओम शांति। आज 4 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कई टाइटल दिए हैं। बाबा कहे तुम हंस मंडली हो, सबको हंस अर्थात पावन बनाने वाले हो। साथ ही साथ बाबा कहे बच्चे तुम लकी सितारे हो, सारी दुनिया को रोशनी देने वाले हो। तीसरा बाबा कहे बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो, मनुष्य के कौड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाने में तुम खुदा के मददगार बने हो। साथ ही साथ बाबा कहे तुम सेल्वेशन आर्मी भी हो, जो अनेकों को इस पतित दुनिया से सेल्वेज करके अपने घर गति और सदगति का रास्ता बताते हो। और बाबा कहे तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए उन्हें ज्ञान अमृत देते हैं। तो अनेक टाइटल आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में दिए हैं और उस अनुसार उस कर्तव्य की स्मृति भी दिलाई है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। ज्ञान मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं बाप ज्ञान सूर्य तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। ज्ञान सितारे हो, लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? उत्तर है, बाप ने रोशनी दी। बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। अब कलयुगी दुनिया का अंत है, ड्रामा का अंत है, तो हमें जाना है। तो बाबा कहे ये नहीं, जो मिलेगा सो चलेगा, नहीं। पुरुषार्थ है फर्स्ट, और पुरुषार्थ करना है विशेष कौन सा? पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर बेहद का बाप सन्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सन्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जैसे लकी सितारे और कोई नहीं, तो कितना नशा चढ़ता है। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब है हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो
हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सन्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। नई दुनिया में तो ये सब बदल जाएगा। सत्युग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, वहां तो विस्मृत हो जाते हैं। यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। यहां ही बाबा ने आकर के हमारी स्मृति को जागृत किया है, इसलिए बाबा कहे सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूं। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, सतयुग को भी कल्याणकारी नहीं कहेंगे, न कलयुग को कहेंगे, लेकिन संगम युग ही सबसे कल्याणकारी युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमात्मा पिता हमसे मिलते हैं और हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं, अर्थात हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। तो हंस मंडली है, लकी सितारे हैं, कल्याण करने वाले जिनका जीवन अमूल्य गाया हुआ है। और बाबा कहे कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले और बनाने वाले तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, साथ ही ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर यानी खास और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हमको खास और दुनिया को आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ऐसी सेल्वेशन आर्मी कहो या खुदाई खिदमतगार कहो, हम बच्चे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? बड़ाई किसकी है? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बोझ है, बहुत बोझ है। बाबा कहे अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य है, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, इतने करोड़ों में से कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या क्वार्टर परसेंट भी नहीं हुआ? 9 लाख माना क्वार्टर परसेंट भी नहीं हुआ, तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है। अब वही धर्म ग्लानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानी करते हैं, देवताओं की भी ग्लानी करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है। बाबा कहे पाप आत्मा ड्रामा अनुसार बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा का अंत है, अभी इस ड्रामा के
अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मते सो गति बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहां तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई अब परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहां तुम कहते हो परमपिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते, हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। सर्वव्यापी हो, सभी गॉड फादर हो तो ओ गॉड फादर कह ना सके। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, पहले वो गॉड कहते बाद में फादर कहते, हम परम पिता पहले कहते और परमात्मा बाद में कहते। बाबा कहे ये सब समझने की बातें हैं, क्योंकि वो आकर के फादर बनता है, पहले पिता बनता है। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते, बाप ने तुमको सहज कर समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करते हैं देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। क्यों? क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे यह बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, ये नहीं कि हम कोई लड़ाई करते हैं और राज्य लेते हैं। ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है,
माया से जीते जीत है। मनुष्य ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं, रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते। रचयिता है एक बाप, बाकी हम हैं रचना, तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गया। बाबा कहे अगर वो कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव है, तो या हम आधा देवता है। वैष्णव कहना माना आधा देवता है, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत है, खाली वेजिटेरियन होने से वैष्णव नहीं बन जाते, लेकिन पक्के वैष्णव माना अहिंसा परमो धर्म। परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विराट रूप का चित्र जिसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो बाबा कहे विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी यानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। विष्णु और उसकी राजधानी माने उसके संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी बाबा के। यही चिंतन चलता रहेगा, सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं डेरा बड़ी लाए। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं, पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले बाबा कहे अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में, पहले सूक्ष्म सर्विस किसी की उन्नति की, शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती है, माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह न जाए जो उल्हना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। सर्विस करते समय बाबा कहे दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। बखर यानी सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। जैसे दुनिया में बखर भर लिया फिर पोर्ट पर उसको ले जाते हैं और स्टीमर डिलीवरी करने जाते हैं, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। इतना साफ है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म लेंगे
तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उस रूप में आए तब ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिब्रेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है, दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। बहुत सुंदर बात कही है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है, तो बाबा कही ये भी अवज्ञा है। दूसरा, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं, तो दुख ले लेना ये भी अवज्ञा है। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। बाबा कहे अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। आज्ञाकारी चरित्र का चित्र कैसा होगा? तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। आज का स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।